जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादना और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। होती हूँ क्योंकि आजकल की डिजिटल एज में शॉर्ट फिल्म्स को एक माध्यम मिल गया जहाँ हम छोटी छोटी स्टोरीज मूवीज के फॉर्म में बोल सकते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस शॉर्ट फिल्म एंड बी इट शॉर्ट फिल्म और एनी डिजिटल मूवी, आई गेट वेरी एक्साइटेड। एवरीथिंग इज जस्ट द सेम, यू नो व्हाई वी इवन गिविंग इट अ डिफरेंट नेम। सो एंड पलाश, दिस इज अ सेकेंड शॉर्ट फिल्म, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर पलाश। राखी स्पेसिफिक हर साल रहती है क्योंकि हर भाई स्पेशल होता है, हर साल वो एक दिन हर भाई अपनी बहन को स्पेशल बनाता है। तो स्पेशल यही होगा कि मैं राखी बांधूंगी, मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे, प्यार मिलेगा। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। राखी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि मैं खुद राखी अपने हाथ से बनाती हूँ बचपन से ही फॉर ऑल माय ब्रदर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो हैंडक्राफ्टेड राखी होती है उसका मज़ा ही अलग होता है। तो फिलहाल मैं राखी बनाने में जुड़ी हुई हूँ। अभी एक दूसरी शॉर्ट फिल्म मैंने भी की है कॉल्ड नेकेड विंडो, सौरभ पांडे के साथ। उनके साथ मैंने पहले भी एक शॉर्ट फिल्म की थी स्पॉटलेस, जो सोनू निगम सर के साथ थी और वो फिल्म फेस्टिवल्स में गई है, इट्स डन वेरी वेल। प्लस मेरा दूसरा प्ले चल रहा है कॉल्ड ब्लाइंड डेट, आरजे प्रीतम के साथ और करण शर्मा के साथ। तो फिलहाल बहुत कुछ चल रहा है। एक्चुअली ये जिस रिलेशन के ऊपर फिल्म है साइलेंट आइज, इट्स बेस्ड ऑन रक्षाबंधन, भाई बहन के रिलेशन के ऊपर। सो ये जो रिलेशन है ये अपने आप में बहुत प्योर है। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड दैट द मैसेज कम्स, वेदर वट एवर योर पर्सनल, यू नो आप स्ट्रेट हैं या नहीं है, लेकिन जो रिलेशन है उस पर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। तैयारी मैं थोड़ी करूँगा, मेरी बहन करेगी ना। अच्छा हाँ, गिफ्ट के लिए हम भाई बहन हैं। साइलेंट आइज में कार्तिक है और मैं नित्या हूँ, और हम मतलब मैं मुंबई में रहती हूँ, ये पुणे में रहते हैं। नहीं, आप पुणे में रहती हो, मैं मुंबई में रहता हूँ। और मतलब लॉन्ग डिस्टेंस भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन बहुत क्लोज है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में हम अग्री नहीं करते। करेक्ट। और थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, लेकिन रक्षाबंधन का समय है तो भाई बहन एक दूसरे से दूर तो रह नहीं सकते, तो उसकी वजह से बहन आ जाती है। वो फिल्म देखने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन बहुत ही एक टचिंग, हार्ट वार्मिंग जिसे कहते हैं, वैसी फिल्म है जिसमें एक बहुत अलग थॉट रखा जा रहा है सबके सामने, एक्सेप्टेंस का। और वो मेन थीम है, अंडरलाइन लाइन थीम है। किसी भी इंसान के लिए परिवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपको कुछ भी अचीव करना है ज़िंदगी में या कुछ भी पहल करनी है, तो अगर परिवार साथ में है तो वो हो सकता है। और अगर बड़ी बहन मेरे जैसी, मतलब नित्या जैसी हो, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो नित्या दीदी में, हम दोनों के बीच में काफ़ी एज डिफरेंस है, तो नित्या दीदी बचपन से ही मुझे संभालती आ रही है। और नित्या दीदी मेरी माँ भी है, बहन भी है, दीदी भी है, और उसके साथ साथ एक दोस्त भी है। yeah. तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं अपने माँ बाप को नहीं समझा पाता हूँ वो मैं नित्या दीदी से शेयर करता हूँ। तो नित्या दीदी एक ऐसी एक कड़ी है, एक लड़ी है हम दोनों के जो रिलेशनशिप, जो फिल्म में दर्शाया गया है, जो रक्षाबंधन की थीम से बहुत मेल खाता है, बिकॉज रक्षाबंधन भी एक डोर से बंधा हुआ एक रिश्ता है। बिल्कुल। तो उस वजह से एक छोटी सी कहानी हमने उसको पिरोया है, और उस कहानी के दौरान रक्षाबंधन की थीम को भी हमने सेलिब्रेट किया है, और उस पर एक अंडरलाइनिंग मैसेज भी है जो आप लोग जब देखेंगे तो पता चलेगा, अबाउट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जरूरी मैसेज है। हाँ, और एक्सेप्टेंस, एक भाई बहन को एक्सेप्ट करना जो जिस तरीके से है, अगर बहन एक सूझी हुई, एक समझी हुई एक बॉन्ड है हम दोनों के बीच में, तो भाई का भी एक अपना एक पर्सपेक्टिव है। तो ये जो दोनों का एक पर्सपेक्टिव, बचपन में क्या होता है, बचपन में हम काफ़ी कुछ खेल खेल में हम लोग संभाल लेते चीज़ों को, बट जब भी बड़े होने के बाद एक दूसरे की जो पर्सपेक्टिव है वो मेल नहीं खाती है। तो वही दर्शाया हमने कि भाई भले तुम जो हो तुम वो हो, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, पर हम लोग दोनों भाई बहन हैं, उसी को हम मतलब कि हम मतलब ओवरकम करते हैं हमारी जो भी मनमुटाव है या जो भी बैरियर्स है, कि एक प्रोसेस है
और उस प्रोसेस के जरिए गुजरना चाहिए और मनमुटाव दूर करना चाहिए. यही बस वेरी पॉजिटिव मैसेज एंड आई एम श्योर एवरीबडी विल लव द फिल्म एंड इट्स डायरेक्टेड सो वेल बाय सई देवधर. इतनी सी है वो, आपने देखी होगी उनको, उनके कमाल की एक्टिंग देखी होगी, लेकिन इसमें इन्होंने निर्देशन इतना प्यारा और इतने सुलझे हुए तरीके से किया हुआ है. एक तो कहानी सेंसिटिव है, उसके साथ एक 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 वुमन टच जो है, एक टच जो है फिल्म को एक एक मुकाम तक ले जाने के लिए, तो साई हैज डन अ ब्यूटीफुल जॉब एज अ डायरेक्टर. एक्ट्रेस तो अच्छी है ही है, हम सब जानते हैं, तो एक्चुअली वो भी मुझे हेल्प किया है काफी हद तक, यू नो, परफॉर्मेंसेस एनहांस करने में. शी रियली रियली डायरेक्टेड बोथ ऑफ अस. हां एब्सोल्युटली, मतलब मैंने तो सरेंडर किया. या सेम हियर, बट रेणुका तो इज एन अकॉम्प्लिश्ड एक्ट्रेस हरसेल्फ, बट फॉर मी इट ऑनेस्टली हेल्प मी अ लॉट. सो थैंक यू, आई होप यू ऑल एंजॉय द फिल्म. थैंक यू एवरीबॉडी. कॉल सही नाउ. या और जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हमें एक्चुअल में लगा ही नहीं कि ये मेरा भाई है. मतलब वो फीलिंग वैसी ही आई है फिल्म में. मेरी एक्चुअल दीदी यूएसए में रहती है, मेरे से 5 साल बड़ी है वो, और काफी जिंदगी से इंस्पायर्ड है कहानी, और काफी मतलब यू नो आई वुड से 90% जो रेणुका as a giving person, as a gracious person herself, as an artist, मतलब मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रेणुका का, बिकॉज एक होता है एक अच्छा आर्टिस्ट होना, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उससे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक अच्छा इंसान है, और इतनी गिविंग और इतनी ग्रेशियस लेडी है कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है एज एन एक्टर भी और एज अ पर्सन भी. तो आई होप दिस बॉन्ड स्टेज फॉर एवर. आई अर्नेस्टली होप सो. एंड उसी बात पे आई क्रिस्टीन रेणुका, आई मीन माई नित्या दीदी एज माई एल्डर सिस्टर एंड एल्डर सिस्टर जो मुझे प्रोटेक्ट करेगी और मुझे गिफ्ट भी देगी हर साल. गिफ्ट आपको देना है दोनों तरफ से होना चाहिए. मैं आशीर्वाद दूंगी. थैंक यू सारे आशीर्वाद. गिफ्ट भी वांट करना चाहिए. नहीं बस यार, इससे बड़ा गिफ्ट हो ही नहीं सकता. नहीं जो भी है, साड़ी है, ये है, वो है, गहने मत मांगना. नहीं नहीं, थैंक यू. थैंक यू सो मच. ये मेरी सेकेंड फिल्म है एज अ डायरेक्टर, और आई एम वेरी लकी क्योंकि पलाश जब आए ये कॉन्सेप्ट लेकर, उन्होंने कहा कि मुझे रक्षाबंधन पे LGBTQ को लेकर एक फिल्म बनानी है, तो और ऐसी फिल्म होनी चाहिए जो पूरा परिवार बैठ के देख सकता है. सो देन आई रोट द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म एंड दे ऑल लाइक्ड इट, एंड जाके हमने ये फिल्म बनाई. बहुत प्यार से, बहुत दिल से बनाई ये फिल्म, और ये एक ऐसी फिल्म है जो मेरे ख्याल से LGBTQ जब ये बात निकलती है तो परिवार थोड़ा सा, आज भी इंडिया में हम थोड़े से झिझक जाते हैं कि हम एक साथ परिवार, एक पूरा परिवार एक साथ बैठ के ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे देखें. तो हमारा जो फिल्म है, हमारी जो फिल्म है वो एक पूरा परिवार बैठ के साथ में ये देख सकते हैं. ऑडियो वाला नीचे गिर गया ना. यहाँ पे आप भाई ये फिर गिर जाएगा यार. सो हमारी यही कोशिश है कि हमारी जो फिल्म है साइलेंट आइज वो सिर्फ एक पूरा परिवार जो है वो साथ में बैठकर देखे, और ये जो इशू है अगर किसी के घर में अगर कोई LGBTQ रिप्रेजेंट नहीं भी करता लेकिन फिर भी समाज को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है, और एवरीबडी शुड बी ओपन अबाउट इट एंड इन फैक्ट बी फ्रेंड. और एक अच्छी बात यह है कि हमने रक्षाबंधन का थीम जो है वो भी बरकरार रखा है, और उसी में एक अंडरलाइनिंग मैसेज. एंड आई हैव टू टेल यू ऑल, मतलब दिस इज द मोर, दिस इज द आइसिंग ऑन द केक फॉर मी. मतलब आई लव हर. मैं तो उसको तब से जानती हूँ जब ये इतनी हाइट की थी, तो इसलिए मेरे लिए तो इनफैक्ट गर्व की बात है कि ये अभी ना सिर्फ बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस बनी है लेकिन ये जो
निर्देशिका बनी है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। So glad that I have got such brilliant actors. And you know, naman to the woman power, you know, seriously. I mean, you know, I really salute the woman power because, you know, the kind. And I think there's one more person we need to have here, and that is Shami ji. Yeah. Mom. Yeah, she is. Kamya. No, ma'am. She is the strength behind. She's instrument. She's instrumental instrument in getting us in, yeah, together. All of us together. Instrumental. Yes. All of us together. So yeah. So yeah. Three cheers for Silent Eyes. And woman power. And woman power. Yes, absolutely. Yeah. Thank you. And last but not the least, one more Akhi. Oh, wow. One more sister. You're really, really Ameer. Raksha Bandhan. नमस्कार, साइलेंट टाइज की पूरी टीम की ओर से सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। राखी दिखाओ। थैंक यू, थैंक यू। So I know him as a casting coordinator, not as an actor. I just give a fun of a title. Okay, so Silent Eyes, बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज साई को मैं जानती हूँ, पलाश को मैं इतने अरसे से जानती हूँ। एंड आई रिमेम्बर पलाश इज ऑलवेज सेइंग कि पलाश हमेशा कह रहा था कि आई वांट टू टू मिनट्स। पलाश हमेशा कहता था कि यू नो ही वांट्स टू एक्ट, एंड आई वाज लाइक ओके, इट्स ग्रेट। या आई नो पलाश, लाइक आई डोंट नो, आई थिंक व्हेन आई वाज सिंगल, नॉट इवन लाइक मैरिड, नाउ आई एम अ मदर। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक ही साल तो, मतलब एक ही दिन तो मिलता है साल में, कि मतलब माल कौन मिलता। भाऊबीज के लिए मैं भाग जाती हूँ। नहीं, उम्मीदें तो कभी नहीं है, बट वो आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज मेरे रियल ब्रदर्स 4 हैं और मैं राखी ब्रदर्स भी बहुत हैं, बट आई डोंट टेक, नहीं मैं राखी ब्रदर्स से नहीं लेती, सिर्फ रियल ब्रदर्स की। हाँ, सो अच्छा, एरिका और पार्थ पर नज़र आए हैं, जोड़ी नंबर 13 बन गई, कुछ कहना चाहेंगे? नंबर 13 इज लकी फॉर देम। तो क्या सच में वो लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एज अ कंटेस्टेंट, मतलब कंटेस्टेंट? या आप उनसे पूछो यार, मैं कहाँ नच कर रही हूँ, आपके को एक्टर तो। हाँ, बट मैं क्यों, मतलब क्यों बोलूँगा, स्पिल आउट मैं क्या करूँ। गुड लक तो मैं एवरी टाइम हमेशा उनको देती हूँ, उनको क्या, पूजो, साहिल, सबको देती हूँ। फैंस के लिए क्यों यार, मैं दैट डे आई वॉज एट होम एंड आई वॉज वॉचिंग देम, दे आर रियली अ विजुअल ट्रीट, वो पिंक एंड दैट, यू नो दैट होल थिंग वॉज डैम गुड यार। ये मैं हूँ, मतलब वो ज्वेलरी पहन पहन के, एंटी एलर्जी पिल्स, मतलब लिटरली हर ऑल्टरनेट डेज को पॉप कर करके ना मैं थक गई, मेरे में मतलब इतने सारे कट्स हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी लाइक दिस। बट हैविंग सेड दैट, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आई एम आल्सो। यू नो करण के साथ एक ही दिन मैंने शूट किया, 2 दिन, दैट्स इट, क्योंकि स्विट्जरलैंड मैं नहीं गई थी और यहाँ पर आने के बाद भी इतना हुआ नहीं है, अभी शुरू हो गया है कल से एक्चुअली। बहुत मुझे आज भी याद है, आई एम वेरी थैंकफुल टू द एंटायर टीम। मैंने 20 या 25 टेक लिए थे एक डायलॉग के लिए, क्योंकि मैं इतनी नर्वस थी। तो स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, आप एक बार वो ट्रेन की पटरी पर वो चल जाता है तो फिर वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि पहले तो स्लो ट्रेन ही अच्छा है ना। कोमलिका को मैं नहीं मिस कर रही हूँ, हीना को मैं मिस कर रही हूँ। हाँ, आई एम नॉट मिसिंग कोमलिका, बट आई एम मिसिंग हीना। प्लीज कीप वॉचिंग कसौटी जिंदगी के 2 एंड टेल अस। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू नो, सोशल मीडिया की वजह से हमें भी पता चलता है कि
what is going wrong and what is going right. So please keep watching. Thank you. देखो अगर जो भी लोग हैं इसके अंदर जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने मुझे पता है कि बहुत अच्छा काम किया होगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छी जाएगी वेब सीरीज है. और आजकल वैसे भी लोगों ने डिजिटल और वेब सीरीज का ही ज़माना है, कौन रोज़ बैठकर सीरियल को देखेगा, आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, कल बहू मर गई, परसों सास मर गई, फिर बहू वापस आ गई, फिर सास वापस आ गई. तो इससे अच्छा ये कि एक बार वेब सीरीज देखो, सारे एपिसोड देख जाओ एक दो दिन के अंदर ही और ख़त्म करो मामला. कौन लंबा झीकेगा एक दो तीन साल अल्लाह. मैं भी वही कहना चाहती हूँ, आश्री के बातों से मैं सहमत हूँ. इतना वक्त किसके पास है जो घंटे घंटे बैठ के पर चारों साल तक टीवी का सीरियल देखे. उससे मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.